शिव बाबा की श्रीमत, क्या संगम युग का कानून है या सतयुग का कानून है? है संगम युग में जब स्वर्णिम संगम युग बनेगा, राजधानी तैयार हो जाएगी, तब शिव बाबा का पूरा कानून लागू होगा। अभी तो राजधानी है ही नहीं, तैयार हो रही है, तो पूरे संगम युग का शिव बाबा का कानून नहीं कहा जा सकता। अभी माया रावण के भी कानून चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और उन कानूनों के अंडर में हमको रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता है? रहना पड़ता है। बाकी सतयुग में शिव बाबा के कानून की बात नहीं है। जो आत्मा जितना जितना श्रीमत पर चलती है, उतना उतना अपने लिए सतयुग त्रेता सुख का और द्वापर कलयुग दुख का निर्माण करती है। मार्शल ला कब लागू होगा? पूरी राजधानी बनने के बाद लागू होगा या पहले ही लागू हो जाएगा? है पूरी राजधानी जब स्थापन हो जाएगी तो मार्शल ला लागू हो जाएगा। मानो तो मानो, न मानो तो सूट। जो भी यज्ञ के आदि से विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी होती है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार में इम्प्योरिटी अति में पहुंच जाती है तो विघ्न का रूप सामने आ जाता है। अब उस इम्प्योरिटी के निमित्त तो कोई भी बने हो, जो बनेंगे उनको ही झेलना पड़ेगा। क्यों बच्चे हो? बच्चों में आत्माएं प्रवेश नहीं कर रही है। भोजन पुत्र बाबा ने याद बताया, हाँ याद का भी भोजन है और हद का भी भोजन है। जो देवताएं हैं वो हद का भी भोजन करते हैं और बेहद का भी भोजन करते हैं। याद में बनाया हुआ भोजन सात्विक भोजन है या तामसी है? सात्विक भोजन है। तेजस्वी किसको कहेंगे? क्या ओजवान को तेजस्वी कहेंगे? ओजवान को ही कहेंगे। ১৯৩৬ में सेवक राम गीता माता और राधे बच्ची उनके प्रमाण कौन व्यक्ति होंगे? शिव बाबा या ब्राह्मण बच्चे या बच्ची निर्मल शांता? ब्रह्मा बाबा की बेटी प्रमाण ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की बेटी को तो इंजेक्शन लगा के बुद्धि डंप कर देगी, वो क्या प्रमाण बताएगी? क्योंकि कोर्ट भी प्रमाण मांगती है।
सूर्यवंशी की जो माँ है कौन, किसकी तरफ जा रहा है? कौन? योगिनी माँ। हाँ, योगिनी माँ है, वो माता नहीं है। और जब महारानी आएगी तो उसकी स्टेज तो नीचे हो जाएगी ना। जब महारानी आएगी नारायण के साथ, जब आएगी पटरानियों के साथ, जब महारानी आएगी तो की तो ना। महारानी पटरानियों के साथ कभी दिखाते हैं? नहीं दिखाते। महारानी का पार्ट बुद्धि योग का है, दैहिक योग नहीं है। यहाँ सारी शूटिंग बुद्धि योग के आधार पर होती है या देह के आधार पर होती है? बुद्धि योग की शूटिंग है सारी। अभी इसकी बिना चौला जो अंतिम समय अभी आ रहा है 18 का पहले या शुरू हो चुकी बोलेंगे आशीर्वाद करके यज्ञ के आदि में जैसे बिना चौला प्रज्वलित हुई थी तो 2018 से पहले की बात है कि बिना चौला अभी प्रज्वलित हो चुकी है कहेंगे हो सकता है आदि से अंतिम। रामायण के 14 साल, महाभारत के 13 साल जब पूरे होते हैं तब युद्ध शुरू होता है। अंतिम समय में या पहले ही और बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, अंत में शुरू होता है। तो अभी 13 साल पूरे हो रहे हैं, अभी अज्ञातवास है या नहीं है? इशारा तो पहले ही अव्यक्तवाणी में दे दिया था। दुनिया वालों के सामने बाप अव्यक्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। वो गुप्तवास तो पहले से ही चल रहा था। जामवंती किसकी कन्या थी? जामवंत की कन्या थी। जामवंत को भागवत में भी दिखाया है और जामवंत को रामायण में भी दिखाया है। उसके रूप में क्या विशेषता दिखाई गई है? है? अरे चेहरा मोरा कैसा दिखाया गया है? रीछ की तरह दिखाया गया है। बंगालियों को बहुत पसंद है, नाम देते हैं भालो। पसंद है ना? है? है। यादगार भी बना हुआ है। क्या यादगार बना हुआ है? जामवंत की जामवंती का। अरे माँ काली का मंदिर कहाँ है प्रसिद्ध? कलकत्ते में ही तो प्रसिद्ध है। तो जामवंत के सारे शरीर में बाल ही बाल दिखाते हैं। वो सिख धर्म की यादगार है।
कोई भी सिख ऐसा नहीं होगा जिसके सारे शरीर में बाल न होते हो। सत्य भामा तो है ही, सत्य भामा कैसी माँ हुई, सत्य में भा माँ हुई। और नेपाल से लेकर नहीं हुआ, सिक्किम से लेकर हुआ। नेपाल के भी नॉर्थ साइड में सिक्किम है। हाँ जी, है ये ब्राह्मणों की दुनिया में पहले शूटिंग होती है कि बाहर की दुनिया में होती है? भारतवर्ष में, नेपाल में जास्ती धर्म के दूसरे धर्म के लोग कौन फैले हुए हैं? खास नेपाल में। बौद्धी लोग हैं, उन बौद्धियों का प्रभाव जास्ती पड़ा है। बुद्ध धर्म से कनेक्टेड कोई आत्मा है, वो धरनी हिलती है तो भारत से कनेक्टेड जो भी बौद्धी धर्म की धरणी है वो भी हिलने लग पड़ती है। और पक्के तो उनको कहेंगे जो संगम युग से पहला जन्म लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 21वां जन्म सतयुग से नहीं शुरू होता है उनका। कहाँ से शुरू होता है? संगम युग से ही शुरू होता है। वो संगम युग में जीते जी बाप से वर्षा ले लेते हैं। वो ज्यादा फायदे में रहेंगे या जो सतयुग में जाके वर्षा लेंगे वो ज्यादा फायदे में रहेंगे? जो संगम युग में डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हैं वो ज्यादा फायदे में हुए, उन्हीं के 84 जन्म कहेंगे। है उसका संख्या कितना होंगे पूछ रहे हैं? अरे संगम युग में कितने होंगे जो कंचन काया बनाएंगे? साढ़े 4 लाख ही तो होंगे। वो 4.5 लाख जो हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं असली, जो रुद्र को फॉलो करते हैं। सारी दुनिया के विनाश के निमित्त बनते हैं परंतु उनका खुद का विनाश नहीं होता है। बाबा के प्रति प्यार कितना गहराई से बढ़ते जाता है, बाबा के प्रति जो प्यार है वो भी इतना गहराई से बढ़ते जा रहा है। अब किसी का बढ़ता जा रहा है, किसी का घटता जा रहा है, कोई पत्ते झड़ते जा रहे हैं, कोई नए नए निकलते जा रहे हैं, सबका एक जैसा थोड़ी है। बाबा ये जो बोलते हैं कि संत
जब से आकर के ज्ञान में जन्म लेते हैं, जब से बच्चे बने तब से शूटिंग शुरू होती है। हर एक की शूटिंग का टाइम अलग अलग नुदा हुआ है। शुरुआत में सब सतो प्रधान स्टेज में होते हैं, बाद में जैसे जैसे औरों के संग के रंग में आते जाते हैं। आना नहीं चाहिए, जब एक बाप मिल गया, जान लिया, मान लिया कि एक बाप से ही सदगति निधि हुई है, अनेक जन्मों की सुख शांति निधि हुई है, तो किसके संग में आना चाहिए? एक के ही संग में आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, नंबरवार हो जाते हैं, ये संग के रंग की बलियारी है। पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे सतो सामान्य, फिर रजो, फिर और तमो। क्योंकि एक भी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, ईश्वरीय कायदे के बर खिलाफ चलते हैं, मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं या मनमत पर चल पड़ते हैं, तो लौकिक दुनिया में उस पाप का एक गुना पाप बनता था और यहां 100 गुना पाप बन जाता है। इसलिए दिन दूने रात चौगुनी गति से नीचे गिरती है आत्मा। बाप 5000 वर्ष में नीचे गिरना होता है और यहां एक ही बेहद का ब्राह्मण जन्म है, थोड़े समय का है, उसी में सारी शूटिंग हो जाती है। है लक्ष्मी वाली आत्मा ने धोखा दिया, ये कैसे कहते है? बाहर चला गया, अंदर ही कब आया था? लक्ष्मी वाली आत्मा को तो उंगली उठाई नहीं जा सकती। वो तो और ही अच्छी बात है कि जो बच्ची जिस माँ बाप के घर में जन्म लेती है, पहले उन माँ बाप की आज्ञा पर चलना पड़े या दूसरों की बात माने? पहले अपने कुल का नाम बाला करे, तब कहेंगे 21 कुल का उद्धार करने वाली। पीहर का लका कुल का भी उद्धार करे और ससुर घर का भी उद्धार करे। लक्ष्मी के ऊपर तो उंगली अगर उठाएंगे फिर तो लक्ष्य ही झूठा हो जाएगा। जगदम्बा वाली वो तो जगत की अम्बा है, वो अकेले सूर्यवंशियों की अम्बा नहीं है, क्या सारे जगत की अम्बा है। एक दिल्ली शहर ही ऐसा है जिस शहर पर सब धर्म वालों ने राजाई की है, मां की गोद में सब बच्चे राजाई करते हैं। उसे जगदम्बा कहा जाता है। जगत माता और भारत माता के पार्ट में रात दिन का फर्क है। और आज के मंदिर के पॉइंट है और फादर को आर्फन आर्फन माने जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, यतीम हो गए, अनाथ हो गए। बाप को जानने से सनाथ होते हैं।